एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। अक्सर आप देखते होंगे कि हम ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, वहाँ मत जाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ, या फिर आप कहते होंगे उससे बात मत करो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांट दे या वो तुम्हें पीट दे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम ऐसा कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो या ऐसा ना हो कि, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाते हैं लेस्ट से, लेस्ट से, और उसके साथ हमेशा यूज़ होता है शुड का। तो आइए सीखें इस नए स्ट्रक्चर को, क्योंकि अगर आप सेंटेंस सीखना चाहते हैं इंग्लिश के, तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, ताकि आप एक सेंटेंस नहीं उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएं। तो आइए सीखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में क्विज है जिसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो, सीखें डिटेल में इस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाना है, जो भी सेंटेंस दिया गया होगा हिंदी में इसके दो पार्ट होंगे इस वजह से, तो आपको सेंटेंस बनाना है जिस भी स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ऐसा ना हो कि, इसके लिए लेस्ट का यूज़, LEST, लेस्ट। उसके बाद जो इसके बाद वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड और V1 का यूज़ करना है, और अदर वर्ड होंगे तो उनको भी लास्ट में लिखना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम जब ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे हिंदी के वर्ड्स आते हैं, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, तो हम शुड V1 का यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। लेस्ट के साथ जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनमें जाओ, हो जाए, इस टाइप से यूज़ होते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको शुड का ही यूज़ करना है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। देखिए, जाओ शब्द आ रहा है, ना चाहिए नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला हम बनाएंगे मेहनत करो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आदेशात्मक वाक्य का। तो हम कहेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ऐसा ना हो कि हम ये यूज़ करेंगे लेस्ट का, लेस्ट। अब तुम फेल हो जाओ, इस सेंटेंस में यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम यू लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे शुड, यू शुड फेल, फेल हो जाओ के लिए फेल ही यूज़ करते हैं। पूरा सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सेंटेंस, उससे बात मत करो ऐसा ना हो कि वह तुम्हें डांट दे। अब उससे बात मत करो, ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये नेगेटिव है इम्पेरेटिव का, तो हम यूज़ करेंगे डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हिम, ऐसा ना हो कि हम लिखेंगे लेस्ट, लेस्ट, वह तुम्हें डांट दे। अब हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हम कहेंगे ही, ही शुड स्कोल्ड यू, ही शुड स्कोल्ड यू। सेंटेंस, धीरे चलो ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ। बच्चों को अक्सर हम कहते हैं जब वो हमारी बात नहीं सुनते दौड़ते हैं, तो धीरे चलो ये इम्पेरेटिव का सेंटेंस है, तो इसी में बनाएंगे। तो वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, ऐसा ना हो कि के लिए हम लिखेंगे लेस्ट, लेस्ट, तुम गिर जाओ या तुम फिसल जाओ, तो हम कहेंगे यू शुड स्लीप, यू शुड स्लीप। आज का ये जो लेस्ट और शुड का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना है प्रैक्टिस बार बार, आप अपने से और सेंटेंस बनाइएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसे लिख लो ऐसा ना हो कि तुम इसे भूल जाओ, इसे लिख लो ऐसा ना हो कि तुम इसे भूल जाओ। अक्सर ये सेंटेंस भी हम हिंदी में यूज़ करते हैं, अब इंग्लिश में बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, टेंस के हैं, वॉइस के हैं, और भी स्ट्रक्चर्स के हैं, वोकेबुलरी के हैं, न्यूज़पेपर वोकेबुलरी के हैं, आप उनको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।